अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका। आई होप आप सारे दोस्त बिल्कुल ठीक होंगे जी। शर्जील शौकत आपकी खिदमत में एक और वीडियो के साथ हाजिर है जी। एक बार फिर हम आए हैं जी सुल्तान मोटर्स के ऊपर। सुल्तान मोटर्स का बोर्ड आपको सामने नज़र आ रहा है। गुजरांवाला में जब आप पिंडी बाईपास से रावाली की तरफ आते हैं तो आपको बिल्कुल राइट साइड पर ये मिल जाएंगे। और इंशाल्लाह गाड़ियाँ माशाल्लाह यहाँ पर बहुत अच्छी हैं इनके पास। गाड़ियों की रेंज भी काफ़ी अच्छी खासी है। आज मैं आपको यहाँ पे जो गाड़ी जिस गाड़ी का रिव्यू करवा रहा हूँ, आप दोस्त बड़ी पसंद करते हैं उसको, बड़े दोस्तों की ये फेवरेट भी है। होंडा रिबॉन है, ये 2008 मॉडल होंडा रिबॉन है दोस्तों। और कंडीशन भी इसमें हल्की फुल्की आपको नीचे से थोड़ी सी फ्रेश लुक के लिए उन्होंने शावर ज़रूर किया हुआ है, बाकी टोटल गाड़ी जो जेन्युइन है अंदर से टोटली पैक है। तो दिखाते हैं आपको इसकी इंटीरियर एक्सटीरियर, बताते हैं कि सुल्तान मोटर्स के ऊपर इसकी डिमांड क्या की जा रही है। वीडियो बड़ी अच्छी होने वाली है दोस्तों। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करें। चलो लेट्स गो जी दोस्तों। देखें जी आप, ये होंडा रिबॉन है जी, 2008 मॉडल है। नीचे से भाई ने बताया कि इसको फ्रेश लुक के लिए थोड़ा सा स्प्रे या शावर जरूर किया गया है, बाकी टोटल गाड़ी जेन्युइन है। टायर्स अगर आप देख सकते हैं, लॉयरिम लगे हुए हैं जी। टायर्स की कंडीशन भी बहुत अच्छी है, बेहतर हालत में है। और साइड भी आप देखें बिल्कुल शाइन कर रही है, स्क्रैच लेस गाड़ी है, कोई स्क्रैच आपको नजर नहीं आएगा इंशाल्लाह गाड़ी के ऊपर। ये देखें बैक टायर भी इसका बिल्कुल साफ हालत में, अच्छी हालत में है। मैं आपको थोड़ा बैक व्यू दे देता हूँ, फिर गाड़ी इंशाल्लाह आपको चारों तरफ से दिखाते हैं। बैक से भी आप देख सकते हैं रेयर कैमरा इंस्टॉल्ड है जी इसमें। और बाकी बम्पर भी देख सकते हैं आप, बिल्कुल साफ हालत में बम्पर भी इसका इंशाल्लाह आपको मिलेगा। ऊपर से ट्रंक की कंडीशन देखें तो ट्रंक भी बिल्कुल साफ है, रियर कैमरा इंस्टॉल्ड है, इस्लामाबाद के रजिस्टर्ड है दोस्तों। तो चले मैं आपको दिखाता हूँ इसका फ्रंट भी। फ्रंट से आप देखें बोनट की कंडीशन के, बोनट गाड़ी का कैसा है, बिल्कुल साफ हालत में बोनट भी है देख सकते हैं आप जी। कोई डेंट नज़र नहीं आएगा आपको, कोई स्क्रैच नज़र नहीं आएगा, बिल्कुल स्क्रैचलेस गाड़ी है। लाइट्स की कंडीशन भी बहुत अच्छी है, बिल्कुल साफ हालत में है लाइट्स भी, कोई मसला मसाइल नज़र नहीं आ रहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस साइड से भी टायर भी देख सकते हैं आप, और साइड से भी देख सकते हैं बिल्कुल साफ हालत में है जी, कोई इशू कोई मसला मसाइल नहीं नज़र आ रहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए देखते हैं जी अंदर से गाड़ी की लुक क्या है और क्या ये व्यू कर रही है कि अंदर से गाड़ी का क्या व्यू है। लें जी दोस्तों बहुत ही बेहतर हालत में डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड की अगर बात करें तो डैशबोर्ड बिल्कुल साफ हालत में है दोस्तों। 2008 मॉडल के लिहाज से गाड़ी की बहुत अच्छी हालत है जी। स्क्रीन यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत बड़ी स्क्रीन यहाँ पे इंस्टॉल्ड है जी। गेयर ट्रांसमिशन दोस्तों इसकी ऑटोमेटिक है, और बाकी इसका जो स्टेयरिंग है वो भी आप देखें तो स्टेयरिंग भी बिल्कुल साफ हालत में है। सीट्स की बात करें दोस्तों, सीट्स इसकी अच्छी हालत में है, लेदर सीट्स हैं और बिल्कुल सही हालत में है, कहीं से ख़राब नज़र नहीं आ रही है मुझे ज़रा भी। ये वाली सीट भी आप देख सकते हैं, और पीछे वाली सीट भी अगर मैं आपको दिखाऊं, आप चेक कर सकते हैं पीछे वाली सीट्स भी जी, बिल्कुल सही हालत में पीछे वाली सीट भी आपको मिल जाएंगी। छत भी दोस्तों आप देख सकते हैं, छत भी बिल्कुल साफ़ है। सनरूफ डेफिनेटली आपको पता है इसमें होता है, सनरूफ एक्टिव है जी, कोई मसला मसाल नहीं है जी। दोस्तों ये हो गए यहाँ पे मैट्स, बहुत अच्छे वाले मैट्स यहाँ पे रखे हुए हैं जी। दोस्तों भी दिखाते हैं आपको उसका इंजन के अंदर से। गाड़ी तो बहुत अच्छी है, लेकिन आपको पता है मैं हमेशा कहता हूँ गाड़ी का जो सबसे ज़रूरी हिस्सा होता है वो इंजन होता है। इंजन देखते हैं जी गाड़ी का इंजन कैसा है, सही है बुरा है वो आपको इंशाल्लाह। हाँ जी तो दोस्तों देखें जी इंजन भी आप देख सकते हैं माशाल्लाह, 2008 मॉडल के लिहाज से इंजन बहुत ही ज़बरदस्त हालत में है जी, साफ़ सुथरी हालत में है। इसके आप इसके कुपे चेक कर सकते हैं जी, बिल्कुल जेन्युइन है। फ्रंट ग्रिल आप अगर देखें तो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह नॉन एक्सीडेंटल गाड़ी है जी, कोई मसला नहीं है। बैटरी अच्छी वाली इंस्टॉल्ड है, और गेयर जो इसका इंजन है वो भी आपके सामने है जी, कोई इसमें इशू या मसला नज़र नहीं आ रहा है। मैं कोशिश करता हूँ आपको डिटेल से भी दिखा दूँ। बाकी 2000 cc है ये, सॉरी 1.8 इसका इंजन है। और बाकी बोनट की बात करें तो बोनट की सील्स भी आपके सामने है जी, बोनट की सील्स आप देख सकते हैं बिल्कुल अपनी जेन्युइन हालत में, सारी सील्स भी इसकी अवेलेबल हैं। तो दोस्तों मैंने आपको इंजन भी इसका दिखा दिया है, गाड़ी का इंटीरियर एक्सटीरियर सारी डिटेल मैंने आपको दिखा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी बहुत अच्छी हालत में है। अब बताते हैं कि जी आपको जी सुल्तान मोटर्स के ऊपर इसकी डिमांड क्या कर रहे हैं जी, सुल्तान मोटर्स वाले इसकी डिमांड क्या कर रहे हैं वो आपको बता दें जी। दोस्तों होंडा रिबॉन की जो डिमांड की जा रही है सुल्तान मोटर्स के ऊपर, ये डिमांड कर रहे हैं जी 16.5 लाख रुपये। 16.5 लाख इसकी डिमांड जरूर की जा रही है, लेकिन आपको हमेशा मैं कहता हूँ कि जो डिमांड होती है वो निगोशिएबल होती है, इसमें कमी बेशी हो जाती है। अगर कोई दोस्त इंटरेस्टेड होता है तो आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर इनके नंबर्स आ रहे हैं, यहाँ पे अगर इन्हें रब्ता करते हैं तो इंशाल्लाह प्राइस में कमी बेशी हो जाएगी। बाकी अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, उससे हमें बड़ी हौसला अफजाई मिलती है दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक के बटन को जरूर दबा दिया करें। थैंक यू सो मच दोस्तों आपके टाइम के लिए, आपके प्यार के लिए। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान।